नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ हैजार्ड एनालिसिस, उसी के बारे में इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। हैजार्ड एनालिसिस यानी कि उसका इनिशियल लिया गया है हैजान। सेफ्टी कोर्सेज के अंदर सब्जेक्ट कोड 201 यानी कि 201 हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड कंट्रोल टेक्निक्स के अंदर क्वेश्चन में आपको राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रिलिमिनरी हैजार्ड एनालिसिस। इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट है हैजार्ड एनालिसिस यानी कि हैजान, इसमें शॉर्ट नोट दोनों सेम ही हो जाता है, प्रिलिमिनरी हैजार्ड एनालिसिस एंड हैजार्ड एनालिसिस। इट इज़ ए प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग हैजार्ड्स अर्ली इन द डिज़ाइन फेजिस ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर द फाइनल डिज़ाइन हैज़ बीन एस्टेब्लिश। यानी कि जब भी आप कोई प्लान का प्लानिंग कर रहे हैं, उसी वक्त उसमें कौन से टाइप का हैजार्ड हो सकता है, उसका डिज़ाइन फेज में ही आपको वो हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना है और उसमें आपको हैजार्ड से बचने का, वहाँ पे क्या क्या रिस्क है उसको रिस्क रिड्यूस करने का प्रोसीजर जो है वो बना लेना चाहिए, ताकि आपको जब भी प्लान प्रोसेस में आए तभी इस टाइप का कभी भी समस्या का सामना न करना पड़े। इट्स पर्पज़ इज़ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर डिज़ाइन मॉडिफिकेशन। यानी कि इसका रीज़न ये है कि आप डिज़ाइन फेज पे अगर उसमें कुछ आपको आइडेंटिफाई होता है तो आपको डिज़ाइन फेज में आपको मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, विच वुड और एलिमिनेट हैजार्ड्स मिटिगेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सीडेंट और बोथ। सिंस पीएचए इज ए फास्ट, पीएचए बोले तो प्रिलिमिनरी हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड लाइक अदर मेथड ऑफ हैजार्ड असेसमेंट, इट शुड बी एडॉप्टेड एज द फर्स्ट स्टेप। इट्स बेसिक स्टेप्स आर लाइक ए एज्यूम ए टाइप ऑफ एक्सीडेंट और हैजार्ड पॉसिबल्स लाइक ए फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो फायर, एक्सप्लोजन, टॉक्सिक रिलीज, फिंगर कटिंग एट्सेट्रा। सेकेंड इज फाइंड आउट विच प्लांट कंपोनेंट सिस्टम और मशीन कैन कोज दिस एक्सीडेंट। एग्जाम्पल देखें तो स्टोरेज वेसल, रिएक्टर, पाइपलाइन, सर्कुलर सो एट्सेट्रा। फाइंड आउट द इवेंट रिजल्ट इनिशिएटिंग द हैजार्ड और एक्सीडेंट। एग्जाम्पल देखें तो रिलीज ऑफ एक्सप्लोजिव और टॉक्सिक गैस, रन अवे रिएक्शन इन द रिएक्टर। दिस विल नेचुरली सजेस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी वाल्स, रप्चर डिस, अलार्म्स। प्रिलिमिनरी हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट एज अंडर। यानी कि जब भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है तभी आपको प्रिलिमिनरी हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसका आपको डिजाइन फेज में ही मालूम रहता है, ताकि आप उसको प्रिवेंट कर सके। अभी आगे देखें उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप जब कर रहे हैं उसमें केमिकल रिएक्शन, इम्प्यूरिटीज एंड पायलट प्लांट्स हो सकता है। प्री डिज़ाइन यानी कि हैजार्ड इंडिसेस, आप जब भी डिज़ाइन कर रहे हैं तभी आपको हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हैजार्ड स्टडीज वो सब आप कर सकते हैं। डिज़ाइन प्रोसेस, डिज़ाइन चेक्स, हैजॉप यानी कि हैजार्डियस ऑपरेशंस, फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स, कमिश्निंग सेफ्टी ऑडिट्स, मैकेनिकल कमिश्निंग टेस्ट, NDT टेस्ट, इमरजेंसी प्लानिंग्स, ऑपरेशन में कंडीशन एंड कोरोजन मॉनिटरिंग के बारे में आप उसको स्टडी कर सकते हैं। PHA इज जनरली यूज फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड्स। यानी कि आप जब भी PHA यानी प्रिलिमिनरी हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन यानी कि हैजार्ड होने से पहले ही हमको पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप का हैजार्ड हो सकता है, वो पहले ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक ए रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स में रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, ब्लास्टिंग हो सकता है और इंटरमीडिएट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स, प्लांट इक्विपमेंट्स, इंटरफेस अमोंग सिस्टम कंपोनेंट्स, ऑपरेशन एनवायरनमेंट, ऑपरेशंस, अदर फैसिलिटीज, सेफ्टी इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा, सभी में आपको PHA जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन आप उसमें हैजार्ड का कर सकते हैं। हैजार्ड यानी कि हैजार्ड एनालिसिस, हैजार्ड एनालिसिस हैज प्रूवन टू बी एन एक्सेलेंट टूल टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूट हैजार्ड्स एट वर्क प्लेस। यानी कि हैजार्ड को आप इवेल्यूट कर सकते हैं, आप उसको अर्ली फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया टूल हो जाता है। इट इज़ जनरली अंडरटेकन
एट द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशनल पैरामीटर्स टू एस्टेब्लिश द एडिक्वेंसी ऑफ बेसिक सेफ्टी ऑफ डिजाइन ऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल इट मे बी फॉलोड बाय एन अपडेटेड एनालिसिस टू एस्टेब्लिश फाइनल रिस्क लेवल इट इज एन एक्सरसाइज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूट हैज़र्ड फॉर द पर्पस ऑफ देयर इलिमिनेशन और कंट्रोल डाटा फ्रॉम द हैज़र्ड एनालिसिस कैन बी रिगार्डेड एज ए बेसलाइन फॉर फ्यूचर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज यानी कि इसके जरिए आइडेंटिफिकेशन जो डाटा मिलता है आपको उसके जरिए आपको फ्यूचर मॉनिटरिंग एक्टिविटी करने में वो डेटा जो है आपको हेल्पफुल रहता है एज एन एक्सरसाइज हैज़ टू बी अंडरटेकन बाई प्रोफेशनल टीम विथ एक्सपर्टाइज इन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस फॉल्ट ट्री एनालिसिस सिमुलेशन एंड मॉडलिंग इवेंट्री एंड कॉन्सिक्वेंसिस एनालिसिस हेजान इज एन ऑर्डरली प्रोसेस यूज टू एक्वायर स्पेसिफिक हेजार्ड एंड फेल्योर डाटा पर्शनेंट टू ए गिवन सिस्टम बाय लोकेटिंग द हेजार्ड्स दैट आर द मोस्ट प्रोबेबल हैव द सेवरेस्ट कॉन्सिक्वेंसिस हेजार्ड एनालिसिस प्रोवाइड ए इंफॉर्मेशन नीडेड टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स सम ऑफ द यूजेज ऑफ हेजान इट कैन अनकवर हेजार्ड्स दैट हैव बीन ओवरलुक्ड इन द ओरिजिनल डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस इट कैन लोकेट हेजार्ड्स दैट डेवलप्ड आफ्टर ए पर्टिकुलर प्रोसेस ऑपरेशन और टास्क वॉज इंस्टीट्यूटेड इट कैन डिटरमाइन द एसेंशियल फैक्टर्स इन एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोसेसिस इट कैन इंडिकेट द नीड फॉर मॉडिफाइंग प्रोसेसिस प्रैक्टिसेस ऑपरेशन एंड टास्क इट कैन आइडेंटिफाई सिचुएशनल हैजार्ड्स इन फैसिलिटीज इक्विपमेंट टूल्स मटेरियल्स एंड ऑपरेशनल इवेंट इट कैन आइडेंटिफाई अर्गोनॉमिक सिचुएशन एंड वर्क डिजाइंस आप यानी कि अर्गोनॉमिक सिचुएशन देख के या वर्क डिजाइन कैसा है उसके हिसाब से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट कैन आइडेंटिफाई वर्क प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसिडेंट सिचुएशंस इट कैन आइडेंटिफाई फिजिकल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इंसिडेंट सिचुएशन इट कैन डिटरमाइन एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग मेथड्स एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स नीडेड फॉर सेफ्टी इट कैन डिटरमाइन द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ फेल्योर पर इंसिडेंट्स पर्सन और प्रॉपर्टी एक्सपोज टू लॉस एंड द पोटेंशियल सीवियरिटी ऑफ इंजुरी और लॉस इट कैन आइडेंटिफाई हैजार्ड इन न्यू इक्विपमेंट और प्रोसेसेस बिफोर एन एम्प्लॉई इज एक्सपोज टू देम थैंक यू दोस्तों